एक गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फिलहाल लैपटॉप का बैग, हाथ में पानी का बॉटल लेके अपन निकल रहे हैं चंडीगढ़। अरे लग जा भैया, एक तो पानी का बॉटल इतना बड़ा हो जाता है ना कि इसमें कभी कभी फिट नहीं आता है। लैपटॉप रख दो और वाइपर गिराओ नीचे और चलो लंबी ड्राइव पे। अब क्यों चंडीगढ़ जा रहे हैं, लास्ट व्लॉग आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि हमारे गाड़ी का RC वहाँ पर बन के रेडी है और वो हमने लिया नहीं है। जी अपने घर से जो चंडीगढ़ का डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 341 किलोमीटर एंड 6 घंटे 16 मिनट लगेंगे, ऐसा GPS आंटी कह रही है। तो अपन पहुंचेंगे 6:30 बजे तक। अब क्या है ना कि कल रात में थोड़ा सा फिर से लेट हो गए, क्योंकि हर दिन एडिटिंग करना, उसको अपलोड करना, थंबनेल बना के रेडी करना, इन सब में बहुत टाइम लग जाता है। जितना सिंपल दिखता है ना, कभी कभी उससे ज़्यादा टफ हो जाता है। तो लेट उठे और लेट निकल रहे हैं। बस लैपटॉप मैंने इसलिए लिया क्योंकि शायद हमें पता नहीं है कि हम रात में वापस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि यार जो डेली व्लॉग वाला जो कंटिन्यूटी है ना वो कहीं ब्रेक हो, तो मैंने अपने साथ लैपटॉप कैरी कर लिया जस्ट इन केस कि अगर आज हमें रात में लेट होता है या हम थक जाते हैं या फिर जैसा भी रहता है, तो अपने साथ लैपटॉप रहेगा ना तो ये व्लॉग आप कल देख रहे हो, मतलब कल बोले तो जब आज देख रहे हो। जब मैं नंबर प्लेट लेके आया ना तो मेरे को जो स्टिकर मिला वो स्टिकर मिला ब्लू और ग्रीन। अब ब्लू होता है पेट्रोल गाड़ियों के लिए, ये होता है डीजल गाड़ियों के लिए। तो मतलब अपने को जो स्टिकर मिला ना वो पेट्रोल वाला मिला। पहले ये भेजते हैं टोयोटा में कि भैया ये तो गलत दे दिया, अब ये या तो ऑर्डर कर लो या फिर मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर प्लेट में आगे जो विंडस्क्रीन पे स्टिकर लगेगा वो तो ये लगना चाहिए ना, ये वाला, इस कलर वाला। अब ये है इस कलर वाला, कलर का डिफरेंस है भाई। आप तो कह रहे थे कि सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे भाई, सुबह 8 बजे निकल जाएंगे, 8 बजे उठा दूंगा मैं आपको। मैं 11 बजे तो मैंने कहा फोन नहीं आया यार, मैं फोन चेक किया फोन तो उठाया फिर भी मैंने। हाँ वो चीज सही है। तो भाई निकल गए, अभी KMP से चलेंगे, यहाँ से डाल देते KMP का, ये अपना पकड़ लेगा ना, हम जाएंगे तो अपना भी। हेलो हेलो डीजल लेना है, ऐसा लग रहा है जैसे लद्दाख जा रहे थे, चंडीगढ़ तक जा रहे। चंडीगढ़ तो ऐसा हो गया ना जैसे घर से निकले चंडीगढ़ पहुंच गए 200-300 किलोमीटर। गाना ठीक है ना, स्लो तो नहीं है? नहीं नहीं, आज गाने मस्त चल रहे हैं, एक नंबर वाले चल रहे हैं। मैंने कहा भाई आज विक्रम भाई हमेशा कहते हैं आप बड़े स्लो गाने सुनते हो यार। मैं नॉर्मली जब भी ट्रिप विप करता हूँ तो ऐसे लंबा चलना होता है ना तो बहुत ज्यादा लाउड गाने नहीं, बट आज मैंने लगाया भाई विक्रम भाई के पसंद के गाने यार, ढिंचिक 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 बज रहा है। आने के लिए ना हम दिल्ली होके भी जा सकते हैं, बट इस टाइम पे दिल्ली से जाना ना मतलब इट्स अ क्राइम, क्योंकि एक तो दिल्ली में इतना ट्रैफिक होता प्लस वहां पे स्पीड लिमिट होता। तो अपन गुड़गांव से निकल के डायरेक्ट मानेसर वाले हाईवे पे चढ़े और अभी आ गए KMP पे। अब यहां से अपन डायरेक्ट निकलेंगे मूर्थल पे और मूर्थल के आगे अपने जाएंगे पानीपत, पानीपत पे रुक के थोड़ा सा खाना खाएंगे और एक कॉफी उठाएंगे। अब जैसे ये रोड है ना, यहाँ पे स्पीड लिमिट 120 का है, मतलब प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट 120 का है, विच इज गुड। आई थिंक इंडिया में ना मोस्ट ऑफ द हाईवेज ना NHAI जो ने बनाया है तो वो ऐसा ही है, एक्सप्रेसवेज हाईवेज, तो स्पीड लिमिट बढ़ा के ना 180 से ना 120 तो कर ही देना चाहिए। 120 होने का मतलब ये नहीं है कि 120 पे ही चल रहे हैं, हम फिलहाल हम 100 पे ही चल रहे हैं क्योंकि एवरेज भी निकालना है। अपने थार का आज चेक करते हैं कि भैया 100-110 पे चलते हैं तो कितनी एवरेज देते, काफी टाइम हो गया था इस गाड़ी को हाईवे पे निकाले हुए। आ गया रात तक का एग्जिट आपका। हेलो 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 हेलो, हमारी तो हो गई, इनकी गला गला बैठ गया मेरा, क्या मस्त हवा चल रही है ना लू वाली। भाई तो सुलभ भाई यहाँ से रोहतक निकल जाएंगे, रोहतक का कट आगे ही है और अपन निकल जाएंगे सीधे टुवर्ड्स चंडीगढ़। तो यहाँ पे एक बार मिल लिए, उनका वॉकी टॉकी था। अरे यार एक तो बैठ लाओ, मेरे को पकड़ाओ, आप कैमरा संभालो, एक कैमरा संभालने के साथ साथ ना
बेल्ट वेल्ट की भी आदत हो जानी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेल्ट ऑटो आ जानी चाहिए वहां से, अरे ऐसे चल के यूं लग जाए। ऑटो गियर है, इससे ज्यादा क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे। हाँ आगे लगता है कोई एक्सीडेंट वगैरह है या फिर कोई गाड़ी निकाल रहे हैं, क्योंकि क्रेन लगी हुई थी साइड में। ले आओ आराम से, मैं बताता हूँ। आने दो भाई साहब, थोड़ा और आगे लेना बस। टेढ़ी रखना टेढ़ी। आने दो बहुत बढ़िया। आने दो आ गई। सीधा इधर से आने दो। काटना मत ज्यादा, सीधा आने देना। ले आओ बिल्कुल। हाँ भाई रोकियो एक बार। आने दो बहुत बढ़िया आ गई। अब आप ये देखो ना, ये देखो बहुत गंदा। अब आप ये देखो कितने घंटे लग जाते हैं यहाँ पे, फंस जाते हैं हम। बहुत गंदा। हाँ पूरा ट्रॉला उसमें फंसा हुआ है रेलिंग में। अब आगे डिवाइडर दिखेगा ना तो आप उस लेन में चले जाएंगे वापस। भाई तो हम रोड के इस साइड आ गए, बस के पीछे पीछे ही चल रहे हैं, क्योंकि बस एक्चुअली बड़ी है ना, तो सामने वाली जो गाड़ी है ना उनको दिखेंगी। थार पता ही नहीं चलेगा कि भाई रोड किस साइड है, इस साइड है, और सामने से जो भी डिवाइडर आता है ना उसको क्रॉस करके अपन इधर कर लेंगे। भाई यहाँ से हमने ले लिया अंदर, अब इस रास्ते में तो कोई गाड़ी रहेगी नहीं। ये फायदा है थार और SUV गाड़ियों का, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, कि आप ऐसे किसी सिचुएशन में रहते हो ना तो फट से निकल जाते हो। अब देखो पूरा रास्ता खाली आगे। वापस ना हम इसी लेन में आगे, क्योंकि बस तो भाई बहुत देर तक चलती रहती है, और डिवाइडर अपने को यहाँ मिलना नहीं था, मतलब कट नहीं मिलना था अपने को। तो भाई अपन तो वापस आके, अपने को ना डाउन सा दिखा, अंदाजा सा लग गया यार, मतलब दोनों एक्सपीरियंस ड्राइवर बैठे हैं गाड़ी के अंदर तो पता लग ही जाता है कि यहाँ थोड़ा डाउन आ गया, यहाँ से हम गाड़ी वापस ले सकते हैं। क्यों विकास भाई? भाई मूर्तल एग्जिट मार लिया हमने। अब जितना अच्छा 100 का स्पीड मेंटेन कर रहे थे ना, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वाला काम है, प्लस यहाँ पे ना बहुत जगह कैमरेज लगे हुए, तो वो ना स्पीड लिमिट मेंटेन करने के लिए बेस्ट है। पुलिस को खड़ा रहने की जरूरत ही नहीं भाई साहब। लोग अपने आप चलान से इतना डर लगता है ना, 2,000 रुपए के चलान है अगर आप स्पीड में चला रहे हो भाई। अगर 4-5 चलान एक्सिट हो गया ना तो 10-15 हजार रुपए तो आपका चलान ही आ जाएगा। फिर तो भरना ही पड़ेगा, जब आप गाड़ी बेचोगे किसी दूसरे के नाम पे करोगे तो भरोगे। आज पहली बार टोल पे ऐसा हुआ ना कि अपन जिस लाइन में लगे ना वही निकली और बाकी सारी लाइन रुकी हुई थी। अदरवाइज हमेशा ऐसा होता था ना कि भाई जिस लाइन पे अपन लगे ना, पता नहीं क्या मनुष्य छाती थी भाई, हमेशा वो लाइन धीरे चलती थी, अगल बगल वाले ना टाटा करके आगे निकल जाते थे। और अभी पहुंच गए मूर्थल, क्रॉस कर गए। थार बहुत दिनों बाद आई है ना रोड पे, तो ये रोड किंग है, तो इसलिए इसको तो ना भाई ये तो नो डाउट रोड किंग है। अदरवाइज थार की जगह मान लो बेलेनो से या किसी और गाड़ी से प्लान करते तो जो हम हमने क्रॉस किया था, जो आपने देखा, वो शायद 2 बार सोचना पड़ता। बट इसके साथ ना 1 बार भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि भाई गाड़ी इतनी केपेबल है, प्लस टायर्स इतने अच्छे हैं ना भाई, छिपकली की तरह चढ़ जाती है कहीं भी। He can also go fast and also go anywhere. ये आ गया फिलहाल पानीपत वाला टोल। पानीपत टोल क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद नीलकंठ है, वहीं पे अपन रुक जाएंगे, अपना फेवरेट अड्डा। यहाँ से जब जाते तो नीलकंठ पे, वहां से जब आते तो जग्गी पे या फिर निक बेकर्स पे। एक बार ऐसे ही मैंने आगे बढ़ा दिया था। अच्छा ये उल्टा चलता है इस तरह से। हाँ मैं कह रहा था कि इधर से गिरेगा, चलो कोई नहीं। अपन पहुंचेंगे वहां पे 7 बजे तक शाम में, तो 7 बजे तक तो कहाँ ही कोई ऑफिस खुला रहेगा। तो विक्रम भाई ने जुगाड़ लगाया और RC पिक हो गई है, मेरी भी हो गई है और एलविश की भी हो गई है, 0001 और 0003 की। तो अब जब 7 बजे तक पहुंचेंगे तब ऑफिस अगर बंद भी हो गए तो अपने को RC तो मिल जाएगी। बेसिकली RC लेने जा रहे हैं और वो मिल जाएगी, वो अपने हाथ में आ जाएगी, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी ढाबा नहीं आ रहा, नीलकंठ नहीं आ रहा। और यहाँ पे लगाते हैं आगे, आगे कहीं पे मिल जाए जगह गाड़ी लगाने की, वहां पे लगा देंगे गाड़ी। हाँ ये भाई भी तो मार रहे है ना, ये भाई के पीछे ही रहते हैं। धक्का मार दो चीजें। एक तो यहाँ पे बरसता है और ये है सबवे, और यहाँ पे है वॉशरूम, नीट एंड क्लीन वॉशरूम। तो सबवे खाएंगे, बरिस्ता उठाएंगे और नीट एंड क्लीन वॉशरूम में काम करके वापस निकल जाएंगे। लंच किया था क्या घर पे? मैं सुबह ब्रेकफास्ट किया था ना चलने से पहले। अच्छा मैंने नहीं किया, ब्रंच टाइप किया था ना। मैं आपको बोला तो था
आप जब तक आ रहे हो मैं वो फटाफट कर लेता हूँ। मैंने नहीं किया था तभी मुझे भूख लग गई। बाकी यहाँ अपने सामने एक गाड़ी खड़ी है वहाँ पे ये, अरे कितना गंदा आ रहा है ये, गाड़ी गंदी नहीं है, शीशा गंदा है। हमारे कैमरे कभी कभी ना 1x से 3x करो तो वो पूरा ब्लर आता है, तो एग्जैक्टली करने में ना फोकस करने में टाइम लग जाता है। कोल्ड और ये मेरी हॉट विथ जस्ट हाफ नहीं 1/4 ऑफ ब्राउन शुगर। थैंक यू विक्रम भाई। और हमारे फ्री के 2 ग्लास पानी। गाड़ी में ही एसी अच्छा काम करेगा, अंदर थोड़ी गर्मी थी ना। 3 एसी में से 2 तो बंद कर रखे थे, पैसे बचा रहे थे। आप सीट तो एडजस्ट कर लो। कर ली ओ पैर नहीं टच हो रहा। मैं तो काफी पीछे करके चलाता हूँ। ना मेरे को ठीक लगा ना। मैं पता क्या है, अब पता लगे आपकी नींद खुल जाए आपको, विक्रम भाई दोबारा क्यों सीट चीज। अरे नहीं प्लीज एडजस्ट कर। अरे विक्रम भाई ये बस अच्छा। मैंने थोड़ी पता क्या आपको पता लगा, मैंने डाउन कर ली थी उस वजह से ये पीछे आ गई थी। ओ हाँ, ये देखो मैं एकदम हाइट पे रख के चलाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कॉफी तो पीते एक पावर नैप भी मार लो, इस साइड बैठो ना तो आप ना फिर एकदम रिलैक्स हो जाते हो भाई, बॉडी एकदम लूज पड़ जाती है। तो विक्रम भाई अभी चला रहे हैं, मैं सोचा अम्बाला यहाँ से 60 किलोमीटर है, मस्त धूप आ रही है, मस्त ठंड लग रही है, बस यहाँ ना वेंटिलेटेड सीट की थोड़ी कमी लग रही है पीछे ना। हाँ पीछे थोड़ा पसीना हो जाता है ना। लगवा ले वेंटिलेटेड? नहीं पंखा ही तो लगाना है। आप पंखा लगा। भाई हम पहुंच गए अम्बाला कैंट, मैं तो सो गया था थोड़ी देर। यहाँ पे गुप्ता मिष्ठान भंडार जहाँ से विक्रम भाई घेवर लेने गए। अब एग्जैक्टली घेवर मिलता है नहीं मिलता है वो उनको भी नहीं पता था, तो अभी जब आएंगे तब उनसे पूछेंगे कि भैया क्या स्पेशलिटी है कि हम हाईवे से छोड़ के हाईवे के अंदर आए। और खाली हाथ आ गए। अरे पॉपट कट गया यार, मैं उनको बोला भैया अभी बना दो स्पेशल, गुड़गांव से आया हूँ। बोला सर कार्ड ले जाओ, हो सका तो ना अगर पॉसिबल हुआ तो कुरियर कर देंगे। अच्छा भैया कभी 2006 में खाया था आपका घेवर, ला दो प्लीज, बना दो अभी वापसी आऊंगा। भैया प्लीज आज काम चल रहा है, नेक्स्ट टाइम। चलो भाई बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हम तो चंडीगढ़ तो आते ही रहते हैं, चंडीगढ़ से आए रहते। चलो कोई बात नहीं विकास भाई। क्या पैर में गोबर लग गया? नहीं गोबर नहीं लगा। मैं क्या गेवर तो नहीं मिला, गोबर मिल गया। नहीं तो ऐसे दुष्ट ना मिल ही जाते हैं भाई, जो टोल पे ना दिक्कत करते हैं, उनको परेशानी होती है, टोल देने के मन नहीं होते, पता नहीं क्या है यार। देखो और मैंने बोला था आपको ये वाला बंदा रोकेगा, पक्का रोकेगा। ट्रक वाला निकल गया, कैंटर वाला निकल गया, सब निकल गया, इसने रोक रखा है भाई। और पीछे तो देखो जनता पूरी हॉर्न बजाए पड़ी है, हॉर्न पे हॉर्न पे, कोई जू तक नहीं रेंग रहा भाई के, कोई मतलब नहीं। अब भी तो पैसे देगा क्या है यार, टोल का ना पूरा फंडा ही गलत है भाई इंडिया में। अभी तो पैसा दिया इसने। हाँ अभी तक झगड़ा कर रहा था। बता तो जी चंडीगढ़ तो अपन इंटर हो गए हैं, और फिलहाल टाइम कितना हो रहा है? अरे टाइम दिख ही नहीं रहा, बंद हो गया क्या गाड़ी? 6:43 हाँ 6:43 में चंडीगढ़ इंटर हो गए। अब थोड़ा अंधेरा होने का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी में ना आगे जो बम्पर है ना वो चेंज्ड है, तो चंडीगढ़ में तो सबसे ज़्यादा चालान कटते हैं, तो इसीलिए हम वेट किसी गाड़ी के पीछे चल रहे हैं भाई। कोई आगे गाड़ी रहे, अपने को कोई जल्दी नहीं है। देखो रात तक पहुंचना है, मतलब रात तक वापस पहुंचना है। आज प्लान ये था कि हम यहाँ पे रुकेंगे शायद, लेकिन शायद हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, हम यहाँ से 6-7 घंटे जो भी टाइम लगेगा वापस जाएंगे घर पे, और घर जाके ही सोएंगे। मतलब डिनर विनर अपना आज बाहर ही होने वाला है। फिलहाल तो अभी जा रहे सेक्टर 17 जा रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ऑफिस है, जो भाई ने हमारी आरसी कलेक्ट की हमारे बिहाफ पे, उनसे पिक करने जा रहे हैं, उनसे आरसी उठाएंगे, 1-2 छोटे छोटे और काम है वो निपटाएंगे, और फिर यहां से अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करेंगे। और तक तक पूरा अंधेरा हो गया रहेगा, हमारे गाड़ी को किसी को नहीं दिखेगा, मतलब हमारी गाड़ी पुलिस वाले अंकल को नहीं दिखेगी। चंडीगढ़ सतारा हाँ सेक्टर 17 यहाँ लगा दे। हाँ अच्छा यहीं लगा देता हूँ, नहीं देख लेते हैं आगे जाना ना, उधर आगे लगाऊंगा ना। अच्छा ठीक है, ये मार्केट घूम भी सकते हैं अपन, बहुत टाइम है, बहुत समय भी कितना सही हो रहा है, मस्त। जब रात में ही पहुंचने तो और रात में पहुंचेंगे भाई। गाड़ी अपने ऊपर चढ़ा के यहाँ पे किनारे खड़ी कर दी है, एकदम मस्त तरीके से, एकदम झन्नाटेदार परफॉर्मेंस। सतारा वाली फीलिंग है सीरियसली, बहुत टाइम बाद इस मार्केट में आ रहा हूँ ना, एक बार मार्केट का भी राउंड मार लेते। चलो
चलो किसी शॉप में घुस के जैसे हम वो कर लेते हैं विंडो शॉपिंग। खरीदना कुछ नहीं है, विंडो शॉपिंग जरूर कर सकते हैं। जिन भाई से मिलना है अभी उनका लोकेशन खोल रहे हैं। मार्केट भी एक्चुअली इतनी बड़ी है ना, पता नहीं उधर कहाँ पे हम थे, देखो कितनी दूर है। अब वहाँ से खोजते खोजते इधर उधर जा रहे हैं, अच्छा खासा वॉक हो जा रहा है, इवनिंग वॉक। ये रही जी अपनी दोनों आरसी, एक मेरी एक एल्विश की, और ये दोनों मिल गई हमें यहाँ पे। ये मिली नहीं है, छीन ली मैंने। ये पार्टी दो फिर लेना। अच्छा पार्टी दो फिर लेना। ये तो नहीं मिल रही भाई, ये नहीं मिलेगी भाई, ये तो मुंबई से आने के बाद ही मिलेगी। मुंबई से आने के बाद एल्विश को भी मत देना, एल्विश को भी नहीं दूंगा आपको, नहीं तो एल्विश को 10,000 रुपए पेटीएम करो फिर देखेंगे। तो जी यहाँ से तो अपना काम हो गया, जिस चीज के लिए आए थे वो मिल गई। अब यहाँ से जा रहे पंचकुला। पंचकुला में एक्चुअली करना क्या है, तो पंचकुला में एक गाड़ी का ट्रेसिंग करना, मतलब वो बेसिकली इंजन नंबर चेसिस नंबर होता है ना, वो उसका एम्बॉसिंग करना है। वो विक्रम भाई के फ्रेंड हैं जो सुरेंद्र सर, उनकी गाड़ी है और उनकी गाड़ी ऑलरेडी सेल हो गई है और वो पंचकुला में, अब वो ट्रांसफर के लिए ना वो ट्रेसिंग जरूरत है। ये जो सामने इनोवा खड़ी है ना, 75 नंबर, हाँ इसका भी डबल डिजिट नंबर है, इसकी एम्बॉसिंग करनी है, एम्बॉसिंग नहीं ट्रेसिंग करनी है। तो अब इसका तो इंजन बोनट खोलना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसका वहाँ होता है चेसी पे होता है पिछले टायर के पास। अच्छा ओके चलो भाई वो कर ले विक्रम भाई, फिर चलते हैं आगे की कार्रवाई करते, आगे की कार्रवाई करते। कहाँ होता है दिखाता हूँ आपका भी, आपकी फॉर्च्यूनर, ये देखो। ओहो उसके अंदर, हाँ ये रहा चेसी में, अंदर चेसी पे ही है ना। दिखा क्लियर, दिखा साफ होने के बाद। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना ये, इधर फोकस कर रहा है ना, इधर फोकस कर रहा है, अब दिख रहा है, अब पूरा दिख रहा है ना। हाँ पूरा दिख रहा है। ये इम्पोर्टेंट है कि ये पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो फॉर्च्यूनर में भी अपनी यही पे होगा। हाँ हाँ यही है, देखो। अरे भैया फंस गया था हाथ। ये पेपर है, इस पे एम्बॉसिंग, मतलब किसी की भी गाड़ी का एम्बॉस करके चले जाओ। पकड़ो आप ये पेपर, दोनों पे करना है। अरे 28 नंबर कई है, सारे हैं, तीन है। हेडेक वाला काम है साला, ये भड़क वाला काम है। और ये तो शुक्र करो अपने को पता है कि कहाँ है चेसी नंबर। जिसको पता नहीं ना वो तो खोजता ही रह जाएगा कि यार चेसी नंबर है कहाँ इसका। ये हो गया अपना काम ना इधर का, अपना यहाँ का काम। देखा कितना फटाक फटाक काम होता है भाई। पता है क्या, हम इधर किसी गाड़ी में ट्रेस करें कोई आया भी नहीं, कोई देखा ही नहीं कि क्या कर रही है लोग। भाई ये तो गलत है ना, किसी को तो पूछना चाहिए था ना भाई हमसे, क्या अरे क्या कर रहे हो हमारी गाड़ी के साथ, हम आगे करके चले गए, किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। भाई अपने को बहुत तेज भूख लगी थी, यहाँ पे हल्का हल्का कुछ खा लेते हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो जी फिलहाल टाइम हो रहा है कितना, 9:15 और अब हम निकल रहे हैं पंचकुला से। यहाँ से अपने घर का डेस्टिनेशन है ऑलमोस्ट 5.5 घंटे दिखा रहा है, प्लस आधे 1 घंटे हम खाना खाने के लिए पानीपत में रुकेंगे। तो देखते हैं पानीपत कब तक पहुंच पाते हैं। बाकी यहाँ से तो ड्राइव अच्छी रहने वाली है, ज्यादा लोकल ट्रैफिक नहीं मिलेगा। एक बार हाईवे पे हिट करेंगे तो फिर वही नॉर्मल जो हाईवे वाला ट्रैफिक है ट्रक वर्क का। भाई गाड़ी का रेंज दिखा रहा था 220 किलोमीटर के आसपास, तो उतने में तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे डीजल ले लेते हैं क्योंकि पंजाब में डीजल थोड़ा सस्ता है कंपेयर टू हरियाणा। 2.5-3 रुपए सस्ता है, काफी सस्ता है। तो यहाँ से अपन डीजल ले लेते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आई थिंक ये खाली है ना, ये वाला खाली। अरे भैया कह रहे हैं उधर, अच्छा ये भैया कंफ्यूज कर दिए ना, उधर जाओ इधर जाओ, उस तरफ है। भैया लबा लब ऊपर तक भर दो, ऊपर तक कार्ड पेमेंट 36 37 तक ना, ठीक है भाई। अभी ट्रिप पे जो हमें एवरेज आ रहा है वो 13.3 का आ रहा है, बाकी जो एग्जैक्ट टैंक टू टैंक वाला एवरेज है वो हमने कैलकुलेट नहीं किया, इधर से ही निकलना है ना। तो 13.3 का एवरेज अगर एक दो प्लस माइनस भी हुआ तो ठीक है, प्लस तो नहीं होगा, माइनस ही हो सकता है, क्योंकि मैंने इस पे चेक किया था कि इस पे थोड़ा सा एक दो का डिफरेंस होता है। बाकी यहाँ डीजल भरा लिया, अभी जग्गी पे रुक के कॉफी उठा लेंगे क्योंकि रात में आज लंबा होगा तो कॉफी जरूरी है। तो
भाई ये आ गया सामने जग्गी और सामने आ गया अंबाला का गेट, मतलब हरियाणा का वो जो धनुष वाला गेट है ना वो आ गया। यहाँ से फट से एक कॉफी उठाएंगे और सीधे चलते बनेंगे आगे, यहाँ पे रुकने की जरूरत ही नहीं है। भाई विक्रम भाई तो गाड़ी में ही बैठे, मैंने कहा आप बैठे रहो गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी हमने पार्किंग में नहीं लगाई है, मतलब प्रॉपर पार्किंग में नहीं लगाई है। थैंक यू भैया, मस्त लग रही है कॉफी, पहुँच जाएंगे ना। अरे थैंक यू भैया। दिल्ली वाले रास्ते को छोड़ के हम पानीपत वाले रास्ते पे आ गए हैं और टाइम कितना हो रहा है भाई, 11:37। ओके 11:37 ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, मतलब 11:30 तक हमने एस्टिमेट किया था। दुकान तो वैसे 10:30 बंद हो जाती है मल्होत्रा चिकन, लेकिन विक्रम भाई के स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमें शायद चिकन मिल जाएगा अंकल, नहीं पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा। फोन पे फोन चल रहा था, भैया काली मिर्च चिकन, काली मिर्च उसके साथ 3 तंदूरी रोटी, 3 करारे नान और एक काम करना भैया क्रीम वाला सैलड भी बना देना। हमने विक्रम भाई मुंह में पानी आ गया, चलाते चलाते गाड़ी जल्दी चलो पहुंच। सारा तो खाली हो गया तंदूरी रोटी, तंदूरी रोटी एकदम पतली करारी, मस्त लग रहा है देखने में, खाओगे तो और टेस्टी लगेगा। चिकन काली मिर्च, चिकन काली मिर्च एंड पराठे एंड आए आए बहुत सारे डॉगीज। अभी हमारे अलावा कोई है नहीं ना, गाड़ी अपने सामने पार्क की है, ऊपर से हाईवे जा रहा है, ये मेन पानीपत शहर है, जीटी रोड है। हाँ भाई वर्थ द वेट जिसको कहते हैं ना, एग्जैक्टली वो था। इतनी करारी रोटियाँ, मतलब इतनी भूख लगी थी ना, मैंने 4-5 रोटियाँ तो खा ली यहाँ पे, और विक्रम भाई अभी खा ही रहे हैं भाई, ज़बरदस्त खाना भैया। अरे क्या बात है भैया, स्टॉप भी, थैंक यू। नहीं मैं उस तो रॉन्ग साइड से लेना पड़ेगा, रॉन्ग साइड से लेना पड़ेगा, ये पीछे गाड़ियां जा रही है। गूगल ने लास्ट में आते के साथ कहा कि भैया तुम लोग का आज एडवेंचर नहीं हुआ है, एक बस तुम लोगों ने सुबह जब डिवाइडर कुदाया था वही एडवेंचर हुआ, ये तुम्हारा एडवेंचर कराते हैं। बाकी यार नियोस जा रही है तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई, अपनी तो निकल ही जाएगी। सो जी दिल्ली के आउटर में तो हम एंटर हो गए हैं और फिलहाल टाइम हो रहा है 1:30 बजे, मतलब रात के 1:30 बज रहे हैं। यहाँ से दिखा रहा है 50 किलोमीटर अपना घर और 1 घंटे 1 मिनट का टाइम और लगना है, मतलब मिला जुला के ना। अभी क्या है ना कि अभी कैमरा उठाया ही नहीं, जब से हमने खाना खाया ना ऐसी नॉर्मल बातें कर रहे हैं, पुरानी बातें, बहुत सारी बातें भाई। कभी कभी ना एक जब लॉन्ग ड्राइव पे आप जाते हो ना दो लोग, तो इतनी सारी बातें करने के लिए होती है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आप बगल वाली गाड़ी से तो बात कर नहीं सकते ना, तो मैं और विक्रम भाई एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियस बात है। ढाई बज गए, 2:27 मजा आ गया ना लेकिन आज। हाँ मजा आया, कोई थकावट नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जाके तो एडिटिंग भी करनी है। मैं तो सोऊंगा। चलो गाइस करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप आज का व्लॉग थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि दिन आज हमारा बहुत लंबा था, बट या बहुत इंटरेस्टिंग था यार। कल भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि कल हम जाने वाले हैं कहीं, हाँ बताएंगे बाद में, आपने बोल दिया लेकिन नहीं सुना तो एडिटिंग में कट जाएगा। नहीं नहीं कल हम जाएंगे कहीं, एक दो जगह जाएंगे, और कल हमारा बहुत बड़ा मैच भी है, बहुत बड़ा मैच, इंटरनेशनल।